हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। मैं बंदना तो फिर हाजिर एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड, जब वो दिवाली की बात तो कैसे रहा जाए मिठाइयों बिन। तो चलिए आइए बनाते एक बहुत सी अच्छी सी स्वीट सी मिठाई की रेसिपी, झटपट बन जाने वाली घर पे। आपको क्या देख कर लग रहा है कि घर की बनी हुई है, तो क्यों ना हम बनाएं आप एक अच्छी सी स्वीट सी मिठाई जो आप कम खर्चे में बना कर झटपट तैयार कर लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लिए लगी है और क्या क्या चीज़ें लगी है। मेरे वीडियो पर बने रहे, स्किप ना कीजिएगा। तो दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें बनाने के लिए। तो जो सामग्री चाहिए मैं वो दिखा दे रही हूँ क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले लेंगे 150 ग्राम मिल्क पाउडर, 150 ग्राम गेहूँ का आटा, 150 ग्राम मिल्क, 2 चम्मच घी, 200 ग्राम चीनी और 2-3 इलायची। इलायची को कूट लेंगे। चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई को मैंने हीट होने के लिए रख दिया है। तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और इसे मेल्ट होने देंगे। कढ़ाई गर्म है, इसमें डालेंगे अपना गेहूं का आटा, इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस एक खुशबू आने तक भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो मेरा गेहूँ का आटा भून चुका है। अब ऐड करेंगे अपना मिल्क पाउडर और मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर, तो इसमें ऐड कर लिया है अपना दूध और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा डालेंगे उसमें जरा सा पानी, 2-4 चम्मच के जितना, ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं बस इतना ही सा चाहिए और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक डो के फॉर्म में हो जाएगा, तब तक इसको मिक्स करना है। अब इसमें ऐड करेंगे अपना पिसा हुआ चीनी, तो चीनी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। आंच को मीडियम टू लो पे रखना है, वरना ये अपना मिठाई जो नीचे से जल जाएगी। जैसे जैसे चीनी पिघलेगा हमारी मिठाई लिक्विडी बनती जाएगी। तो इसको वैसे ही चलाते हुए इसको भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा डो ढीला हो गया है। इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे, चलाते हुए पकाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है वरना नीचे से जल जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच घी। तो ले लेते हैं 2 चम्मच घी। घी से बहुत अच्छा लाइट आ जाता है, मिठाई में थोड़ी खुशबू बढ़ जाती है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर उसमें डालेंगे इसी वक्त इसमें इलायची कूट के, तो मैंने 3 इलायची ले लिया। इसको अच्छे से कूट के इसमें ऐड कर लेंगे, छिलका नहीं डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अपनी मिठाई को अच्छे से डो के रूप में आने तक पकाना है। तो देखिए मेरा मिठाई डो के रूप में हो गया, जमने के लिए रेडी है। तो एक बर्तन हम ग्रीस करके रख लेंगे घी लगा के, तो कर लेते हैं। देखिए मैंने इसमें घी लगा के ग्रीस करके रख लिया है। तो फ्रेंड, मेरा मिठाई जमने के लिए रेडी है। तो फटाफट बिना समय गवाए इसको जमा लेते हैं और चम्मच के पीछे घी लगा के इसको सेट कर लेंगे। तो ये बहुत ईजिली हो जाता है, देख सकते हैं। अब अपने मन चाहे शेप में सेट कर सकते हैं और ये मेरा सेट हो गया है। इसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे जमने के लिए छोड़ देंगे, फिर अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर लेंगे। मेरा मिठाई जम गया है अच्छे से, ये कटने के लिए रेडी है। मैंने इसमें चांदी वर्क लगा दिया है, आप अपने मनपसंद शेप में कट कर लें। देखिए इजिली कट जा रहा है, इसको अच्छे से कट कर लेंगे अपने मन चाहे शेप में। तो फ्रेंड, झटपट मेरा बनके मार्केट जैसा एकदम सस्ते में महंगी वाली मिठाई बनके रेडी हो गया है। तो कैसा लगा मेरा ये आज का मिल्क पाउडर और गेहूं के आटे से मिक्स ये बर्फी मेरा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही बने रहिए मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।